Hi everyone, I'm Soumya Sharma, rank 9 in UPSC CSE 2017. इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने पढ़ाई कैसे करी और क्या क्या रिसोर्सेज मैंने यूज़ करे, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. सो द फर्स्ट स्टेप आपकी प्रिपरेशन में होगा कि आप UPSC की नोटिफिकेशन देखिए. हर साल एग्ज़ाम से पहले नोटिफिकेशन रिलीज होती है. वो नोटिफिकेशन बहुत डिटेल्ड होती है और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि किन स्टेजेस में एग्जामिनेशन होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इसका पूरा सिलेबस, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन द नोटिफिकेशन. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रीड द नोटिफिकेशन प्रॉपरली. नाउ आई विल जस्ट ब्रीफली टेल यू कि एग्जामिनेशन के कितने स्टेप्स हैं. तो द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज़ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. वो एक MCQ फॉर्मेट में आता है. इट हैज़ टू पेपर्स, जनरल स्टडीज़ एंड एप्टीट्यूड पेपर विच इज़ कॉल्ड CSAT. तो फॉर जनरल स्टडीज़ द सब्जेक्ट लिस्ट एंड एवरीथिंग इज मैंशनड इन द नोटिफिकेशन. ब्रॉडली इट कम्प्राइजेज ऑफ हिस्ट्री, जोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद करंट अफेयर्स. So the way to tackle GS and what I did, so first of all ensure that you have a strong base, because if you have a strong base it will ensure that even when you clear prelims that will help you in your mains also. So aapko jo bhi aap taiyari kar rahe hain definitely prelims focus ke sath kare, but usme aap mains ka bhi socho ki agar mera clear ho jata to kya main mains mein bhi is information ko will I retain this. So my strategy was very similar to what other toppers do. I read all NCERTs from class 6 to 12th. I believe I had a strong base. मेरा स्कूल टाइम से ही पढ़ाई में शौक था और जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो मैंने मुझे याद आ रहा था कि मैंने स्कूल में ये हिस्ट्री पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, और क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ तो जो पॉलिटी पार्ट ऑफ द सिलेबस है दैट वॉज़ वेरी क्लियर टू मी. सो आई बिलीव आई वॉज एट एन एडवांटेज, विच इज़ वाई मुझे कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी. ऑल्दो इफ़ यू थिंक आपका बेस इतना स्ट्रांग नहीं है, so I would definitely suggest you please take coaching, please do whatever you think is important for you to crack the exam. It is ये कभी ये नहीं होता कि coaching लेना अच्छी बात है या बुरी बात है. ये सब depend करता है कि आपकी situation क्या है, and do you think कि you will be able to clear this examination with coaching or without coaching. That is about the preliminary examination. For the second paper of the prelims which is CSAT, it's qualifying in nature. मतलब आपको सिर्फ 33% लाने हैं CSAT में, और उसके बाद आप को दे कंसिडर यू एज बींग एज हैविंग क्लियर इट. सो फॉर CSAT प्लीज़ डू नॉट टेक इट लाइटली. उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच यू शुडन टेक लाइटली एट ऑल. बिकॉज अगर आपके फर्स्ट पेपर में आपके बहुत अच्छे नंबर आए बट आपका CSAT क्वालिफाई ही नहीं हुआ, देन इट विल नॉट मेक एनी सेंस. तो CSAT की भी टेक बुक्स. आई यूज़ टू स्टडी CSAT फ्रॉम बुक्स बाय एस फॉर SSC एग्जामिनेशन. मैंने देखा कि जो UPSC की CSAT की बुक्स हैं दे वर काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू रीड इन द जो मेरे पास लिमिटेड टाइम था. सो आई वुड सजेस्ट SSC एंड बैंक PO एग्जामिनेशन की जो CSAT बुक्स आती हैं दे आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस विद. तो यू कैन टेक दोज बुक्स. Moving on to mains, and also very important, you have to make newspaper reading as a habit, because if you read newspapers you will read editorials, you will read all these pieces and you will learn how to take a stand. Aapka opinion, aapka stand kya hai issues mein, you will learn, you know, how to look at issues. So for current affairs I used to follow the Hindu newspaper before prelims. After prelims I added reading the Indian Express also, because Indian Express is also a wonderful newspaper. Bahut relevant news aati hai usme. To main har din subah do newspapers padhti thi utke, and I have a good reading speed to isliye main jaldi pad leti thi newspapers, and I used to make notes from the newspaper articles. Jo bhi mujhe lagta tha this is a very relevant topic and I should know, because it's बेटर दैट वे यू कैन कंडेंस ऑल दैट इन्फॉर्मेशन. अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल बहुत बड़ा है और आप उसके छोटे अपने नोट्स बनाएं तो इट्स ऑलवेज बेटर टू रिवाइज दैट. दैट आई यूज टू डू. आई यूज टू फॉलो योजना मैगजीन, फ्रंट लाइन, द वायर वेबसाइट है, इट इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल वेबसाइट टू नो अबाउट रिसेंट इशूज. सो दिस वॉज द फॉर द करंट अफेयर्स. मेन्स के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आई स्टडीड द जो भी बुक लिस्ट दी हुई है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो सब फॉलो करते हैं, वही सब मैंने बुक से पढ़ा है मेन्स के लिए. बट फॉर मेन्स यू हैव टू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ आंसर राइटिंग, एंड दिस इज़ समथिंग जो मैंने किया फॉर ऑल थ्री स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन.
ऑल्दो मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, बट मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हैं, बिकॉज वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज प्रैक्टिस, एंड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम. सो आई ज्वाइन टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, आई ज्वाइन टेस्ट सीरीज फॉर मेन्स ऑल्सो, एंड आई ज्वाइन मॉक इंटरव्यू सेशन ऑल्सो. सो ज्वाइन एज मैनी टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस राइटिंग पेपर्स, बिकॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेन्स इज कि आप उन 3 आवर्स के पेपर में 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है. How will you do it? Because it's 180 minutes and it's 20 questions, so about 9 minutes per question approximately. And usme bhi how to manage your time and how to write and how to write to impress is what you need to practice, and that will only come by practicing. So for your optional subject, you have to be very very thorough with it, because for the general studies papers, wo ek basic understanding is required ki aapko pata hai. However, in your optional subject, you have to display your mastery over the subject. सो विच एवर ऑप्शनल सब्जेक्ट टू चूज शुड बी अ सब्जेक्ट जिसके साथ आप फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कंफर्टेबल हैं, सेकेंड जिसको आप लॉन्ग आवर्स पढ़ सकते हैं, थर्डली जिसको आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं. बिकॉज वेन यू आर राइटिंग योर ऑप्शनल पेपर, आपको दिखाना है कि ये सब्जेक्ट मुझे आता है एंड आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, एंड दैट इज़ वॉट विल इंश्योर दैट यू गेट गुड मार्क्स इन द ऑप्शनल, एंड ऑप्शनल के मार्क्स विल मेक और ब्रेक योर रैंक. So you have to totally be very wise in selecting a good optional subject. For me, my optional was law, because I spent 5 years studying law in my university, and it was a very natural choice for me to take law as an optional. So once you have decided your optional, you should also at the same time give full time to your GS papers. GS papers ki preparation should be very dynamic. You should know अगर कोई स्टैटिक टॉपिक लिखा है सिलेबस में तो उसकी करंट इम्प्लीकेशंस क्या हैं आपको पता होनी चाहिए. डू एवरीथिंग इन डिटेल, रिवाइज, यू शुड हैव योर डेटा रेडी, यू शुड हैव फिगर्स रेडी, रीड द इकोनॉमिक सर्वे, रीड ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, द ARC रिपोर्ट्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रीड ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज दे विल हेल्प यू इन योर मेन्स एग्जामिनेशन. For the essay paper, again, essay paper is a paper where you can score really high marks. So the practice again is a very important part of essay ki preparation ka. Aap bahut sare newspaper articles padhiye, aap magazines padhiye. You will know how to take a stand. You will know the difference between a good essay and a bad essay just by reading your own essays. Because I remember jo maine pehla essay likha tha, and I made my mother read it, and she told me this is the worst essay I've read in my life, because isme maine bahut zyada extreme views diye the. So over time you practice and you realize that okay, this is a balanced view, this is what a civil servant is supposed to do, and you have to take a very realistic and practical approach in your essay, and that is very important. Same for the ethics paper. Ethics paper is a very very nice paper. I used to love studying for the ethics paper because it's just very nice, and usme bhi the same approach. Your ethics should not be too idealistic. They should be, your ethics have to be something which is practical and at the same time which is right. Do the it's about taking the right decision, which may be the difficult decision. So ethics paper, again I would suggest take a spend proper time on ethics paper, because even ethics paper mein if you score more marks, wo aapki ranking ko acche se bump up kar sakta hai. So this was about the mains. Now I'll move on to the interview. Interview again, it was for me was the most enjoyable part of the entire cycle. My board was headed by Shri Arvind Saxena, and my interview was on the first day of the cycle, which was 19th Feb 2018. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अपनी प्रिपरेशन 19 फेब 2017 में शुरू करी थी, और मेरा इंटरव्यू 19 फेब 2018 को हुआ. तो मेरा एक फुल साइकिल था वो 1 ईयर, जिसमें मैंने सिर्फ UPSC की पढ़ाई करी और कुछ नहीं करा. माई इंटरव्यू वेंट वेरी वेल. उसमें दे आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट माई ड्राफ्ट, दे आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम माई बैकग्राउंड, दे आस्क मी मेरे जो भी मैंने अचीवमेंट्स मेंशन करी थी, दे आस्क मी मेनी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. They asked me things like what is my opinion on demonetization. They asked me about what do I think of Trump. Then my hobby which I had mentioned was I love reading maps. I still love reading maps. Mujhe maps, Google Maps and all sort of maps, I really enjoy reading maps. So that was my hobby. And I was asked a very interesting question, which for me was the highest point of my interview. They asked me, the chairman asked me, if I have to go from Delhi to Sudan by road, what all countries will I cross? So I got very excited with that question, and I gave 2 alternate routes.
एंड फॉर मी दैट वॉज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ माई इंटरव्यू बिकॉज इट फेल्ट नाइस टू बी एबल टू डिस्प्ले कि मेरी हॉबी है, सच्ची में मेरी हॉबी है, मैंने ऐसी हॉबी नहीं लिखा है. सो विच एवर हॉबी यू गिव एंड एवरी थिंग इज समथिंग यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इन एंड समथिंग विच यू कैन एक्चुअली डिस्प्ले योर इंटरेस्ट इन. बिकॉज इफ दे आस्क यू अबाउट योर हॉबी एंड यू गिव अ वेरी dry and dead response, then they will know that this is not really the hobby. Because if you give a hobby which जिसकी बात करते हुए आप बहुत bored लगे तो फिर उसकी that is not your hobby. So that is about my entire preparation and I really hope that this helps you and keep on watching this channel for more such videos.